अपनी ओर से, बूथ कमेटी के सदस्यों की ओर से, गंभरूर पंचायत की ओर से तथा इलाका के सभी निवासियों की ओर से आपका तहे दिल से जो हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और बड़ी खुशी की बात है, हमें तो कभी मौका ही नहीं मिला। स्कूल में रहते थे तो मंत्री जी को बुलाया करते थे कि कोई कमी नहीं, जैसा कि चंडीगढ़। और जब राज को चलते हैं तो दोनों तरफ रेडियो की प्लेटें जो लगी हुई है वो इतनी चमकती है तो दिल जो है यानी कि बहुत खुश हो जाता है। तो हम चाहते हैं, इलाका चाहता है कि हमारी खुशी जो है। कैप्टन दलबाग सिंह जी हुए अधिकारीगण, इनका अपने इलाके में वासियों से हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी 2007 में थोड़ी सी इनको चूक लग गई, उकड़ुआ होता हुआ फिर ये जे रोड अपना पक्का टियाला से सियोला लग वाला रोड देखो, ऐसे पानी ठीक टाइम का आ रहा और पानी भी गर्म आ रहा। सुबह देखना कभी पानी गर्म आ रहा है, वो फायदा है। और हमारे प्रागपुर विश्व क्षेत्र में कई जगह बिजली 3 फेज में थी पर अपने इलाके में नहीं थी, अभी पूरे खंभे जोरों से काम चल रहा है, रोडों का जोरों से काम चल रहा है। कई दिनों से ये सड़क का यही होता था, सड़क बनाओ। ये अपने ये है पीछे घर है तो ये बोलते थे कभी सड़क बन जाए तो हमें 2 किलोमीटर पैदल, और अगले साल तक 21 तक ये रोड बसें इधर से चलाएंगे। इनकी मेयर होगी, ये हम आप इकट्ठे एक साथ चलेंगे। पर देश को कौन बर्बाद करता है? आतंकवाद, राजनीतिकवाद, संप्रदायवाद। अगर राष्ट्र के बीच ना हो तो देश बिल्कुल अच्छे तरीके से चलेगा। अभी प्रधानमंत्री जी की बात करता हूं, तभी बोलता डिजिटल इंडिया बनाना है 2022 में और बड़े बढ़कर रहना है। छुआछा विमान चलाया था उन्होंने, कैसे चलाया था? सफाई करो, झाड़ू पकड़े, यार सफाई रखो। इंसान है, इंसान से बड़ा कुछ नहीं है। गंदगी फैलाता है, इंसान ही फैला रहा है लफाफे, इंसान ही फैला रहा है। हर एक जगह गंदगी डाल रहा है, लफाफे खाते खाते उधर ही फेंक रहे हैं, उधर फेंक रहे हैं, लफाफों से बहुत गंदगी। अगर दूसरा कागज हो तो गल सड़ जाता है। अच्छे बने, पहले कोई नहीं रोड होता। मेरे सामने की बात है, 2007 में ग्राउंड पे किया है, हमारी मिसाइलों वाली टैंके हैंग करके ले से पोस्टों पर छोड़ी थी, चाइना पोस्टों पर, चंडीगढ़ से ले तक ले से फिर हैंगिंग थी, तो कितना दुर्गम काम था। आज देखो रोड बन गया, कितनी बनी? 1 किलोमीटर 300 मीटर जो कि खुदाई हुई, और 6 सालों के बीच जो सुरंग 9 किलोमीटर 200 मीटर बड़ी, जिसको सब कुछ सिस्टम लगे। बताओ आप, कभी बोलते हैं ना गांवों के बीच, यार मेरा एक बड़ा बड़ा लाट है, ये मेरी नहीं बड़ी बड़ी लाट है यार। कई बोलते यार इधर खुंड अच्छा कटो और संगल भी जरा मजबूत पाओ, संगल भी क्या मजबूत पाओ, और ये कड़ियां ठीक होनी चाहिए। वो है ये मंत्री मारे का टाइम निकाल करके स्कूटी के ऊपर क्या नहीं बना अपने इलाके में, सब कुछ बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। और इतनी इतनी संस्थाएं ले आए हैं, कोटला बेड़ में ले हैं, सुहारपुर पैरस में लेकर आ गए हैं, आपको क्या चाहिए? और काम यार बंकर बनाए, पक्की पोस्टें बनाई और लड़ाई शुरू कर दी कारगिल की, क्यों ऐसा? पर हम तो उस इलाके में नहीं गए, पर हम राजस्थान में रहे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था,
99 के बाद उन्होंने रेलवे में स्पेशल रिजर्वेशन है, फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में रखी और बिना रिजर्वेशन से कोई नहीं आने दिया। तो ये भी मंत्री जी उन्हीं बदनाम बर्बाद कर रही है। हमारे मंत्री जी अपने इलाके के हैं, जब मर्जी जाओ फोन करो मिलते हैं, अपना अपना भी काम करो, परिवारों को भेजते थे यहाँ ले जाने को दो आदमी। अभी हरेक तरफ से चाहे दूसरी माननीय एवं सम्माननीय उद्योग परिवहन एवं रोजगार बोर्ड लेने के लिए आप लोगों ने इनके 3 साल के कार्यक्रम के बीच में देखा होगा कि कहीं कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी है जहां पर कोई गांव या कोई इलाका बोले कि यहां पर भाई हमें अभी हमारा जहां पर कार्य बाकी है, कोई जहां पर डंगा, कोई नाली, कोई किसी प्रकार का चाहिए कि भाई पंचायत के बीच में अभी जो इलेक्शन होगा इसके बीच में फलाना बंदा खड़ा करना है। अभी हाल ही में इन्होंने मंत्री जी ने बात की है वहां पे, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये हम सभी को मिलजुल करके ही अपनी पार्टी का एक सुजिस्ट, एक सुदृढ़, एक मजबूत आदमी खड़ा करो एंड एक ही बंदा खड़ा करो ताकि हम अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान कर सके। अगर हम अपनी पार्टी के 2 या 3 बंदे खड़े करेंगे उसमें अदर पार्टी का विशेष व्यक्ति फायदा उठा जाएगा और हमें हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि हम ऐसी नौबत ना आने दें। बाकी मैं इलाका वासियों से यही अनुरोध करता हूं कि आने वाले समय के बीच में एकजुट और एकमुट होकर के काम करें। जय हिंद, जय हिंद। सबसे पहले ये दीवान बस्ती वाड़ा और ठाकुर बस्ती वाड़ा के लिए ये जो रोड मेडलिंग हुई है, काफ़ी सालों के बाद ऐसे हमें महसूस हो रहा है जैसे कि हम स्वर्ग की अनुभूति कर रहे हैं। बहुत बुरा हाल था इस सड़क का, तो ये सड़क अभी हाल में बनकर तैयार हुई है जहाँ पे पुलियाँ, डंगे, नालियाँ, बहुत क्लासिकल काम हुआ है। इसके हमारे इस पोलिंग बूथ के अध्यक्ष श्रीमते थे, इस बार आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, तीसरी बार आप लोगों ने मेरे को विधायक बनाया और पहली बार ऐसा मौका मिला कि मैं मंत्री बना इस क्षेत्र का। मंत्री बनने के बाद, क्योंकि मेरे को इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया गया, तो इंडस्ट्री मिनिस्टर बनने के बाद हमने इन पंचायतों को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में डाला और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में डालने के बाद मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके टेरस से लेकर इस गांव आपके क्षेत्र के अंदर किस प्रकार की डेवलपमेंट हो रही है और कोई दो राय नहीं है। जैसे लोग बोलते थे, आप भी बोल रहे थे कि अब तो ये चंडीगढ़ लगता है, कोई दो राय नहीं है। इतनी चौड़ी सड़क और नहीं, आज से 1 साल पहले 1.5 साल पहले आपके ही बच्चे, आपके ही परिवार के लोग मेरे को वर्षा भाई में जब चुनाव हो तो जब बरनाली की वोटिंग हो तो पिछली बार से भारतीय जनता पार्टी में 100 वोट और बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने काम किया है आप लोगों के लिए, बोलने के लिए जो सारी बातें हैं, और बाकी बहुत अच्छी टीम यहाँ पे काम कर रही है। नौजवानों की टीम अभी नई जो हमारी निकली है, बड़ा अच्छे अनुशासन तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं। और मैं यही चाहूंगा नौजवानों को अपने साथ जोड़िए, माताओं और बहनों को अपने साथ जोड़िए, बुजुर्गों को अपने साथ जोड़िए, ताकि ये कुनबा और आगे बढ़े और हम पूरी शक्ति के साथ आगे भी काम करेंगे। इतना ही कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।